रहीम जी बेटा, आज का लेक्चर है हमारा वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया जाता है कि इट इज द स्पेस इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए बेटा, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे अगर आप देखें तो अगर मैं इस डाइस के ऊपर हिट कर रहा हूं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं ये मार्कर को यहां पे पकड़ता हूं और इसको जस्ट ड्रॉप कर देता हूं तो ये मैंने फोर्स नहीं लगाई थी, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से फॉल कर गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स थी जो कि कॉन्टैक्ट में नहीं थी, लेकिन ये एक्ट कर रही है यहाँ। तो हम वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जिसको डिफाइन किया जाता है एफ इज इक्वल टू एम जी। एक खास रीजन तक इसको अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसका जो फार्मूला है वो आर स्क्वायर के साथ भी वेरी कर रहा होता है, ठीक है जी। वो डिटेल इंशाल्लाह अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल डेफिनेशन आप लोगों को इसकी क्लियर होनी चाहिए कि इट इज द स्पेस इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। वो रीजन, वो स्पेस अर्थ के अगेंस्ट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, दूसरी चीज बेटा कि कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट, ये भी यहां पे डेफिनेशन आती है, वो भी क्लियर होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फील्ड किसे कहते हैं जी। कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं कि जिसमें वर्क जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। जो वर्क आप वहां मेजर कर रहे हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहां इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क बिना क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। एक क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है। इस चीज को हम बकायदा अभी देखेंगे, प्रूफ करेंगे। और यहां पर जो हमारा एक्चुअली क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने प्रूव करना है, वो ये है जी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली पहले वर्क डन फाइंड करेंगे और इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि क्या वाकई ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं, ठीक है जी। इसके हवाले से बात करेंगे। तो जब हम आते हैं जी इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर, इस चीज को हम प्रूव करना चाह रहे हैं, वर्क डन फाइंड करना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमने यहाँ पे तीन पाथ डिफाइन कर दिए। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर तीन पाथ हैं, एक है पाथ ए सी बी, एक है पाथ ए डी बी और एक पाथ है ए बी। ये दोनों पाथ जो है कि ये कॉन्स्टेंट पाथ है और ये वेरिएबल पाथ है। तो हम इन तीनों पाथ के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमें वर्क डन क्या मिलता है, और अगर वो वर्क डन हमारा सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज के हवाले से हम बात करेंगे यहां पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी पाथ वन की, विच इज ए सी बी। ए सी बी इसके रेफरेंस से बात करें तो वर्क डन अक्रॉस ए सी बी अगर आपने फाइंड करना है तो इसको मैं दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकता हूं, वर्क डन अक्रॉस ए सी एंड वर्क डन अक्रॉस सी बी। ये जो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है, इक्वेशन से मेंशन कर दिया कि वर्क डन अक्रॉस ए सी बी इज वर्क डन अक्रॉस ए सी प्लस वर्क डन अक्रॉस सी बी, इन दोनों का सम। अब यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे तो हम जैसे जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तब ए से सी की बात करेंगे, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैंने अगर एक्स से रिप्रेजेंट किया है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है जी वो 90 डिग्री बन रहा है। तो एफ एक्स कॉस ऑफ 90, वर्क डन का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, एफ डी कॉस थीटा, तो वो एफ एक्स कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है तो इसके क्रॉस वर्क डन आपको जीरो मिल गया। सी बी के रेफरेंस से अगर बात करें तो फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, जो कि एच से हमने यहां पे जो है इसका डिस्टेंस एच से रिप्रेजेंट किया है। तो एफ एच कॉस ऑफ 180 इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री। तो एफ एच कॉस ऑफ 180 आ गया, ठीक है। अब यहां पे जब आप देखते हैं कॉस 180 होता है जी माइनस वन, एफ की जगह आ गया एम जी एच, दिस विल बिकम माइनस एम जी एच।
तो वर्क डन अक्रॉस ए सी बी पहले पाथ के अक्रॉस आपका जो वर्क डन आ गया दैट इज माइनस एम जी एच, ठीक है। इसी तरह सेकंड पाथ के भी हम बात करते हैं, सेकंड पाथ जो हमने चूज किया दैट इज ए डी बी पाथ टू, तो ए डी बी के अक्रॉस अगर आपने वर्क डन फाइंड करना है तो ये भी उसी तरह से डिवाइड हो जाएगा दो सेगमेंट, दो सेगमेंट जो दो इसके पोर्शन है वर्क डन अक्रॉस ए डी एंड वर्क डन अक्रॉस डी बी, तो ए डी और डी बी दोनों का सम। अब ए से डी वर्क डन ये जो है ये आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि ए से डी का वर्क सी से डी वर्क के बराबर है, ठीक है। तो इसका आपने भी फाइंड किया था कि क्या था जी माइनस एम जी एच था, तो इधर भी माइनस एम जी एच मैंने पुट कर दिया। इधर ए से सी का वर्क डन अभी आप लोगों ने फाइंड किया था कि वो जीरो था, तो डी से बी का भी जो वर्क डन है वो क्या होगा जीरो होगा क्योंकि वो सेम पाथ है। अगर आप गौर करेंगे ये लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो यहां पे भी जो वर्क डन आप फाइंड कर रहे हैं सेकेंड पाथ के क्रॉस वो भी माइनस एम जी एच आ गया, ठीक है जी। तो पहले दो पाथ से हमें ये प्रूफ मिल गया कि चाहे आप हॉरिजॉन्टली जाएं या वर्टिकली जाएं या पहले वर्टिकल जाएं फिर हॉरिजॉन्टल जाएं, दोनों केसेस में वर्क डन आपको क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। इधर भी माइनस एम जी एच आ रहा है, इधर भी माइनस एम जी एच आ रहा है। अब रह गया जी हमारा थर्ड पार्ट ए बी जो कि वेरिएबल पार्ट था। अब जो पिछला टॉपिक है लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है कि वेरिएबल फोर्स के अकॉर्डिंगली वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है जी। वही चीज हम यहां पे भी कर रहे हैं कि ए से बी जो हमारा जो टोटल वेरिएबल पाथ है उसको हमने स्मॉल स्टेप्स में स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये आपकी चॉइस है कि आप चाहे पहले हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर लें या पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल कर लें, क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि पहले हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल दोनों केसेस में वर्क डन क्या रहता है जी सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स शो कर दिए जिसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स स्मॉल मेंशन कर दिए हैं डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू अप टू सो ऑन डेल्टा वाई एन, मैंने हॉरिजॉन्टल स्टेप यहां पर मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग अभी ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि जितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स थे उन सब में वर्क डन आपने क्या देखा था जीरो आ रहा, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें उसको यहां पे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। तो वर्टिकल स्टेप्स आप लोगों ने शो कर दिए। अब वर्क डन अगर आप चाहते हैं ए से बी का वो क्या होगा, तो वो जितने स्मॉल सेगमेंट्स हैं उन सब के वर्क को आप क्या करते जी एड कर डेल्टा डब्ल्यू वन डेल्टा डब्ल्यू टू अप टू सो ऑन डेल्टा डब्ल्यू एन, ठीक है। अब यहां पर कोई बात है, देखें कि जब आप वर्टिकली जा रहे हैं तो जो डेल्टा बाय वन है और जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एम माइनस एम जी डेल्टा बाय वन यही वाला केस आ गया, कोस 180 माइनस वन होता है तो वो डायरेक्ट वही स्टेप आप यहां पर पुट कर सकते हैं। इस तरह से डेल्टा डब्ल्यू टू भी उसी तरह अप टू सो ऑन डेल्टा डब्ल्यू एन, यहां से देखेंगे कि माइनस एम जी बेटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। और आपके पास अंदर क्या रह जाएगा ये डेल्टा वाई वन से लेके डेल्टा वाई एन तक का सम। अब अगर आप गौर करें तो यहां पे ये सारे स्टेप्स को अगर मैं वर्टिकली ऐड कर दूं, ठीक है जी, सारे स्टेप्स को वर्टिकली ऐड कर दूं तो ये एक्चुअली एच के बराबर आएगा, ये सारे वर्टिकल ऐड कर दें तो ये एच के बराबर आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आप मूव करें ये सारे वर्टिकल स्टेप्स ऐड अप होंगे, एक्चुअली तो ये हाइट एच ही बन रही है, इन सब को जब आपने ऐड कर दिया तो एच ही आ गया। तो अगेन वर्क डन पाथ बी के क्रॉस भी क्या आ गया जी माइनस एम जी एच। तो बेटा यहां पे प्रूफ ये हो गया जो कि हम एक्चुअली करना चाह रहे थे कि जो वर्क है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, आप चाहे पहले ए सी बी के क्रॉस प्रूफ करें या फिर ए डी बी के क्रॉस मूव करें या वेरिएबल पाथ के क्रॉस मूव करें, कोई भी पाथ अगर आप चूज करेंगे तो वहां पर आप ये देख रहे हैं कि वहां पे जो वर्क डन है वो आपको क्या मिल रहा है वो सेम वर्क डन मिल रहा है, ठीक है जी। वर्क पाथ पे डिपेंड
नहीं करता। तो एक चीज आपकी यहां से प्रूव हो गई कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्चुअली कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, आप किसी की दूसरी जो डेफिनेशन थी वो भी यहां से वैसे इसका प्रूव मिल सकता है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि वर्क इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। अगर इस चीज को हमने प्रूव करना है तो हम वो देख लेते हैं कि यही जो पाथ था ए सी बी डी वाला, जो ए से बी तक एक्चुअली हम मूव कर रहे थे, अब आप इस पाथ को क्लोज चूज कर लेते हैं। इसको बेहतर है कि यहां पर इस तरह मेंशन कर दें कि ये हमारा पाथ था, ये थर्ड पाथ था। लेकिन अगर आप क्लोज पाथ कह रहे हैं तो ए से सी गए, फिर बी, फिर डी और फिर वापस ए पर आ गए, तो दिस इज क्लोज पाथ। ठीक है जी। और अब अगर आपसे कहा जाता है कि इस टोटल पाथ का वर्क डन क्या है, जी क्लोज पाथ का वर्क डन क्या है, तो अब ये हम फाइंड कर चुके हैं। ए से सी का वर्क डन आप लोगों ने देखा कि वो क्या था जी, जीरो था, वो जीरो है। सी से बी का वर्क डन आपने देखा है कि वो क्या था, वो आया था माइनस एम जी एच, तो यहां पर माइनस एम जी एच लिख दिया। डी से बी अगर आप फाइंड करेंगे तो वो भी आपने भी देखा था लास्ट तो, के वो वर्क डन जीरो था, क्योंकि वो नीचे फोर्स होगी तो एंगल 90 बन गया। और जो आप आखिरी सेगमेंट है डी से ए, पहले आप ए से डी जा रहे थे, अब डी से ए आ रहे हैं, तो अब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो जीरो डिग्री बन रहा है, और cos 0 1 होता है तो इट मींस कि यहां पर प्लस एम जी एच आएगा, तो दिस विल बी प्लस एम जी एच। यहां पर माइनस एम जी एच था 180 की वजह से, यहां पर जीरो डिग्री की वजह से प्लस एम जी एच। तो जब आप इसका सम करेंगे तो नेट जो आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस एम जी एच और प्लस एम जी एच का, वो नेट रिजल्ट क्या आएगा जी, जीरो है। तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों डेफिनेशंस यहां से प्रूव हो गई कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, और दूसरी चीज आपने ये प्रूव कर ली कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। और यहां से फिर फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप जरूर मेंशन करें।